हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कुर्मी उपजाति कुर्मी समुदाय की जनसंख्या और कुर्मी समुदाय के कुछ बड़े नेताओं के बारे में। तो यार वो वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, इसलिए वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिएगा। और चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ उस चैनल का जो बेल आइकन वाला बटन है ना उसे प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को कुर्मी समुदाय से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त राधे विनोद मातो आप सभी का अपने इस YouTube चैनल कुर्मी व्यूज पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। खनिज संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश में ना हीरे और तांबे का तो प्रचुर मात्रा है ही, लेकिन मध्य प्रदेश ना पर्यटन के लिए भी बहुत फेमस है। वर्ष 2010-2011 में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी मध्य प्रदेश ने ही जीता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से ना मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, जब तक कि छत्तीसगढ़ का विभाजन ना हुआ था। लेकिन अभी जनसंख्या के दृष्टि से बात करें तो देश का पांचवा राज्य है। प्रदेश में ना मध्य प्रदेश में 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की टोटल पॉपुलेशन ना 7,25,97,000 से अभव है, जिसमें हमारी समुदाय की भागीदारी 18% लगभग है। और मध्य प्रदेश में टोटल ओबीसी का पॉपुलेशन है 37%। पिछड़ा बहुल होने के बावजूद भी ज्यादातर सीटों पर अकबर, बाबर, आलमगीर, तैमूर, शहंशाह के साले साहब उर्फ बाबू साहब अर्थात देश के जयचंद कम्युनिटी ही सत्ता पर काबिज है, जो कि हम सब के लिए बहुत शर्मनाक बात है। मध्य प्रदेश में टोटल 19 लोकसभा सीटें, जहां पर मात्र एक हमारी कुर्मी सांसद है। मध्य प्रदेश के महाराजा कम्युनिटी होने पर भी सत्ता में भागीदारी इनकी नगण्य है। रणोजी सिंधिया, जयप्पा जीजाराव सिंधिया, महाजी सिंधे से लेकर ज्योतिराव आदित्य माधवराज सिंधिया तक महाराजा बने बैठे हैं, पर सत्ता में भागीदारी नहीं है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। इससे शर्मसार बात और क्या हो सकती है। वर्तमान समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजमणि पटेल और राजपूत बनने की चाहत रखने वाले कुर्मी समुदाय के एक नेता गणेश सिंह भी हैं। बड़े बड़े नेता तो हैं मध्य प्रदेश में हमारे, लेकिन समाज में उतना प्रभावी नहीं है। मध्य प्रदेश में हमारे कुर्मी समुदाय के बहुत सारी उपजातियां हैं, उनके बारे में ही स्पेशली वीडियो बनेगी, तो हम उनके बारे में भी जानें। यहाँ हमारे कुर्मी जाति के लोग अपने टाइटल में कुर्मी, पटेल, कन्वी, मराठा, गौर, कोडरा, ढालवर, झारी, कनोजिया, चंद्रनाहू, गोरिया, मानवा, सिंगरोल, तिरोला, चंद्रयार, उर्सेठे, जैसवार, हवेलिया, खैर, पाटीदार, गहराई, दशा, सम्राट, सोनावने, झालिया, सिसोदिया, सनोदिया, घुमरिया, सिखिया, बड़कर, मलैया, चंदल, गावल, रावत, चिनमिया और परिहार आदि। टोटल कितने हुए? टोटल 37 सब टाइटल हुए। मध्य प्रदेश में कुर्मियों को उपाधि भी दी गई है, उनके बारे में भी हम जान लें। उपाधि है सिंह, चोरिया, मुकाती, वर्मा, सिंधिया, पवार, भोसले, चंद्रोल, सिंगोर, मलैया, कटियार आदि। तो इतने सारे उपनाम, उपजाति या उपाधियां हैं हमारी। तो भाइयों, जहां भी दिखे ना नाम के पीछे उपनाम, ये सभी उपनाम, तो समझ जाना कि ये हमारी कुर्मी समुदाय के भाई हैं, भैया हैं, नेता हैं या चचा हैं या भतीजा हैं। जो भी हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्रों में हो, सरकारी तंत्रों में है या सत्ते में बैठे लोग हो, अब तो मध्य प्रदेश के कुर्मियों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना भाइयों। इसलिए हमने उपजातियों पर वीडियो बनाना शुरू किया है। इससे पहले भी हमने छत्तीसगढ़ के उपजातियों पर भी वीडियो बनाया है, तो जो भी भाई अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे जाके एक बार देख लीजिएगा। भाइयों, ये टाइटल वाला इशू ना हर कास्ट में है, ये टाइटल वाला इशू तो हर कास्ट में है। इसलिए अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के मुहिम के अनुसार नाम के आगे ना हर कोई कुर्मी जरूर लिखे। और जो भी भाई मध्य प्रदेश से हैं,
जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर के साथ साथ जय मध्य प्रदेश जय शिवाजी कमेंट करना ना। जय कुर्मी, जय शिवाजी, जय जय।